दोस्तों लोगों को फिल्मों में एक्टर तो हमेशा ही पसंद आते हैं, लेकिन जब लोगों को एक्टर से भी ज्यादा विलन पसंद आने लगे तो यह समझ लेना कि उन्होंने बहुत ही ऊंचे दर्जे की एक्टिंग की है। और दोस्तों आज की हमारी कहानी भी एक ऐसे ही व्यक्ति की है जो कि विलन का किरदार निभाकर लोगों की नजरों में आए, और महज कुछ सालों के अपने फिल्मी करियर में उन्होंने जितना नाम कमाया उतना तो बहुत से लोग पूरे जीवन काम करने के बाद भी नहीं कमा पाते। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ हम सबके चहेते द डार्क नाइट मूवी के जोकर यानी कि हीथ लेजर के बारे में, जो कि एक ऑस्ट्रेलियाई एक्टर और डायरेक्टर थे। लेकिन अपनी शानदार एक्टिंग के बदौलत वह यूनाइटेड स्टेट जा पहुंचे और वहां पर उन्होंने ऐसा काम किया जिसने की पूरी दुनिया में उनको पहचान दिलाई, और महज चंद सालों के करियर में ही उनकी गिनती दुनिया के सबसे महान एक्टर्स में की जाती है। और दोस्तों बहुत सारे लोग इनकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में तो सब कुछ जानते हैं, लेकिन चलिए आज इस वीडियो में हम जानते हैं हीथ लेजर के पर्सनल लाइफ के बारे में। तो दोस्तों इस कहानी की शुरुआत होती है 4 अप्रैल 1979 से, जब ऑस्ट्रेलिया के पर्थ शहर में हीथ एंड्रयू लेजर का जन्म हुआ। उनकी माँ का नाम सैली लेजर था जो कि एक फ्रेंच टीचर थी, और उनके पिता का नाम किम लेजर जो कि एक रेसिंग कार ड्राइवर और माइनिंग इंजीनियर थे। हीथ ने अपनी शुरुआती पढ़ाई मैरीज माउंट प्राइमरी स्कूल से की। इसके बाद उनको गिल्डफोर्ड ग्रामर स्कूल में भेज दिया गया, जहाँ पर पहली बार वे एक्टिंग से वाकिफ हुए, और यहीं पर पढ़ने के दौरान ही 10 साल की उम्र में स्कूल के एक प्ले में उन्होंने पीटर पैन का रोल अदा किया था, और यही पहला मौका था जब उन्होंने एक्टिंग से जुड़ा हुआ कोई काम किया था। इसके अलावा दोस्तों आपको यह जानकर हैरानी होगी कि वे बहुत ही अच्छे चेस प्लेयर थे। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया जूनियर चेस चैंपियनशिप भी अपने नाम की थी। लेकिन जब वह 11 साल के हुए तब उनके माता पिता का तलाक हो गया, और यह सदमा उस उम्र में उनके लिए बहुत ही बड़ा था। लेकिन आखिरकार किसी तरह से उन्होंने खुद को संभाल लिया, और 1992 में क्लॉइंग अराउंड, 1993 में शिप टू शोर की तरह ही कई सारे टीवी सीरीज में उन्होंने छोटा मोटा रोल अदा किया। और फिर 17 साल की उम्र में फुल टाइम एक्टिंग में करियर बनाने के लिए उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, और सौभाग्य से उन्हें तुरंत ही 1996 की टीवी सीरीज स्वीट में काम मिल गया। लेकिन उन्हें असल पहचान मिली 1997 की टेलीविजन सीरीज होम एंड अवे से, जो कि उस वक्त के सबसे लोकप्रिय ऑस्ट्रेलियाई शोज में से एक था। हालांकि आगे चलकर अपनी एक्टिंग करियर को हॉलीवुड तक ले जाने के लिए उन्होंने बहुत सारे टीवी शोज के रोल को ठुकरा दिया, और एक ऐसा समय भी आया जब उनके पास केवल $150 ही बचे रह गए थे। हालांकि उनका यह प्रयास बहुत ही जल्द सफल हुआ और उन्हें थिंग्स आई हेट अबाउट यू नाम की फिल्म में काम मिल गया, और फिर आगे भी उन्होंने द पैट्रियट, मॉन्स्टर्स बॉल और नाइट टेल और लॉर्ड्स ऑफ डॉगटाउन की तरह ही बहुत सारे फिल्मों में काम किया। लेकिन उनके करियर के अंतिम मूवी ने उन्हें पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पहचान दिलाई, और इस मूवी का नाम था द डार्क नाइट, जिसमें कि हीथ लेजर ने जोकर का रोल प्ले किया था। दरअसल इस फिल्म के लिए उन्होंने बहुत ही कड़ी मेहनत की। हीथ ने खुद ही जोकर का मेकअप किया, और जोकर के मानसिकता को समझने के लिए उन्होंने अपने आप को 43 दिनों तक एक होटल के कमरे में बंद कर लिया, और यहाँ तक कि उन्होंने एक सीन में फिल्म के एक्टर से उन्हें सच में मारने को कहा ताकि सीन फेक ना लगे। और फिल्म में माइकल केन और हीथ का जो सबसे पहला सीन था, वहाँ पर दोनों लोगों को एक दूसरे से बात करनी थी, लेकिन कमरे में दाखिल होते ही माइकल हीथ लेजर को देखकर इतना डर गए कि वो अपना लाइन ही भूल गए। और इस मूवी के रिलीज होने के बाद से सच में हीथ लेजर की मेहनत खूब रंग लाई और वे लोगों के लोकप्रिय बन गए। लेकिन दोस्तों दुख वाली बात यह थी कि मूवी के रिलीज डेट के 6 महीने पहले ही 22 जनवरी 2008 को हीथ लेजर की मृत्यु हो चुकी थी, और उनकी मृत्यु का कारण था ड्रग्स का ओवरडोज। और दोस्तों हीथ लेजर ऐसे पहले अभिनेता थे जिन्हें की एक कॉमिक किरदार निभाने के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड से सम्मानित किया गया था, लेकिन अफसोस इस अवार्ड को थामने के लिए वे जिंदा नहीं रहे। लेकिन दोस्तों हीथ लेजर भले ही हमारे बीच अब नहीं है, लेकिन जोकर के किरदार ने उन्हें हमेशा के लिए अमर कर दिया। और दोस्तों अगर हीथ के फैमिली लाइफ के बारे में बात करें तो उन्होंने वैसे तो कई सारे एक्ट्रेस को डेट किया था, पर उनको माइकल विलियम से एक बच्ची है जिसका जन्म 28 अक्टूबर 2005 को हुआ, लेकिन सिर्फ 2 साल की उम्र में ही उसने अपने पिता को खो दिया। उम्मीद करते हैं कि हमारे फेवरेट जोकर हीथ लेजर की कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।